ये आप हो। अबे तुम भी अंडा ही तो हो अभी, अबे बच्चे ही तो, मतलब यार गे तो वो डूब जाएंगे। देखो मर रहे हैं, देखो तड़प रहे हैं बेचारे। मैं आज का जो कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा कंसेप्ट ऑफ फ्लोटेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। बेटा डेंसिटी के हिसाब से हम पढ़ेंगे कि किसी भी चीज़ को कैसे हम लोग तैरा सकते हैं और किसी भी चीज़ को कैसे हम लोग डुबा सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन वाटर देन इट विल सिंक इन वाटर। बेटा अगर किसी की डेंसिटी पानी से क्या है तो वो पानी में डूब जाएगा, वो पानी में डूब जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल सैंड की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से ज्यादा होती है, इसलिए सैंड वाटर में डूब जाती है। एज सिंपल एज दैट। स्टोन की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है, स्टोन पानी में डूब जाता है। एज सिंपल एज दैट। बोलो बच्चों। लेकिन सेकेंड पॉइंट आता है कि इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन क्या वॉटर देन इट विल फ्लोट। बहुत बढ़िया। अगर किसी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या है कम है तो फिर बच्चों वो फ्लोट करेगा, वो तैरेगा। ऑयल, सब नाम सुना है? Yes, sir. कोई भी ऑयल ले लेते हैं, अभी फॉर एन एग्जाम्पल ले लेते हैं कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल को आप पानी में डाल दो, पानी में तैरेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से कम है। आइस पानी में तैरती है क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से, मैंने लास्ट क्लास में बताया था जरूरी नहीं है कि सॉलिड्स की डेंसिटी हमेशा लिक्विड से ज्यादा हो। अब आइस सॉलिड है, उसकी डेंसिटी पानी से कम है। जनरली ज्यादा होती है लेकिन देर आर सम केसेस जहां पे ऐसा नहीं भी होता है। एक कॉर्क, कॉर्क का टुकड़ा पानी में तैरेगा। कॉर्क समझते हैं आप लोग? Yes, sir. जो शैंपेन के ऊपर लगा होता है वो, उसको अगर आप पानी में छोड़ दो वो पानी में तैरेगा, उसकी डेंसिटी पानी से कम है। तो जिस भी चीज की डेंसिटी पानी से क्या होगी वो पानी में तैरेगा। सिंपल है? Yes, हम चाहते हैं आप पानी में तैर जाए तो दो काम में से एक करते हैं, या तो हम आपकी डेंसिटी को कम कर दें। Yes, कैसे कम करें? आपके शरीर को खोखला कर दें। Yes, आपके फेफड़े, आपकी किडनी, आपका दिल, आपके शरीर से हड्डियां सब निकाल के बाहर फेंक दें। Yes, कह रहे यस सर। आप बच जाओगे डूबने से? लेकिन बचोगे कहाँ? बच तो जाओगे डूबने से लेकिन बचोगे कहाँ? सेकेंडली तो ऐसा क्यों ना करें कि पानी की डेंसिटी को बढ़ा दे। ये तो शायद कर सकते हो। ये कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पे हम लोग एक एक्टिविटी देखेंगे, छोटी सी है। ये हमारे पास एक समुद्र है। बेटा आप लोगों ने डेड सी का नाम सुना है? डेड सी। ये आज हम इस समुद्र को, ये नॉर्मल सी को आज हम डेड सी बनाने वाले हैं। ये हमारे पास नॉर्मल सी है और इसको आज हम कन्वर्ट करने वाले हैं। बच्चों ये आप हो। अबे तुम भी अंडा ही दो अभी, अबे बच्चे ही दो, मतलब यार कह रहे बाहर आ चुके हैं। ये हमारे पास पानी है, ये हमारे पास अंडा है। आप ये मान लें समुद्र है और ये वो बच्चे जिनको स्विमिंग नहीं आती, अब वो तैर तो नहीं सकते ना। तो अगर वो पानी में जाएंगे तो वो डूब जाएंगे। देखो मर रहे हैं, देखो तड़प रहे हैं बेचारे, तड़प रहे हैं ये। बोलो कोई नहीं बचाया आके? लेकिन अब तो ये मर चुके। नहीं ऐसे कैसे मर गए?
सबसे पहले हम इन्हें बाहर निकालेंगे, ये देखो, अरे यार सुनो यार, ये हमने हमने आपको चम्मच से बाहर निकाला है। अच्छा दोबारा से, अंडा पानी में तैर रहा था, डूब रहा था, तैर रहा था, इसको डुबाओ पहले तो। बेटा अंडा पानी में डूब गया था, अब हम क्या करेंगे? आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हो? अबे फिर तो पकड़ सकते हो तुम इसको। ये हमारे पास क्या है? नमक। डब्बा ब्राउन राइस का है, मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन इसके अंदर हमारे पास सॉल्ट है। क्या है? अब हम क्या करेंगे बच्चों? हम यहाँ पे 8th class की पढ़ाई लगाएंगे, हम इस सॉल्ट को इस पानी में डाल देंगे। और हम लोगों ने 8th class में पढ़ा है कि जब कोई भी चीज पानी में घुलती है तो वो पानी की जगह घेरती है, उसके एम्प्टी स्पेसेस को भर देती है, और एम्प्टी स्पेसेस को भरने की वजह से डेंसिटी बढ़ जाएगी, मास बढ़ जाएगा ना, वॉल्यूम उतनी ही रहेगी, लेकिन नमक आ जाएगा तो इसके मास को बढ़ा देगा। फिर हम इसमें आप डालेंगे नमक, क्या डालेंगे? नमक डालना है कितना? अबे कह रहे स्वाद अनुसार, अबे नमक डालना है बहुत सारा, इतना सारा कि इसकी डेंसिटी बढ़ जाए। मैं इसको नीचे रख के डालता हूं। ये हमने 1 चम्मच डाल दिया, ये हमारा दूसरा चम्मच, ये हमारा तीसरा चम्मच, ये हमारा चौथा, और ये हमारा पांचवा। कोई नहीं, तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। ये हमने 5 चम्मच डाल दिया। अगेन मुझे नहीं पता है सफिशियंट होगा कि नहीं, लेकिन हमने इसके अंदर कितने चम्मच नमक डाल दिया? 5 चम्मच। तुम वहां देख लो वीडियो सही बन रही है कि नहीं। 5 चम्मच हमने इसके अंदर क्या डाल दिया है? थोड़ी देर जब तक ये घुलेगा। बेटा पहली बात तो, अगेन मैं हर क्लास में जब भी एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, बात करता हूँ, एक टाटा नमक की ऐड आती है, आंटी उसमें एक ग्लास में नमक घोलती है और कहती है हमारा नमक शुद्ध है, एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है वो, ये वही नमक है। तो आंटी झूठ बोल रही है, सच बोल रही है? सच बोल रही है। हमने नमक बहुत ज़्यादा डाला है, विद इन 2 or 3 minutes, अभी ये घुला भी नहीं है यार, सर्दी भी तो है। अच्छा आप देख लो धीरे धीरे और ट्रांसपेरेंट हो रहा है। Yes, sir. मेरे हिसाब से हम अपना आगे एक्सपेरिमेंट पूरा करते हैं, ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी। अब हम इस अंडे को पानी में तैराते हैं। बेटा मैंने आपको पहले डूबने से बाहर निकाला, फिर मैं गया और मैंने पूरे समुद्र में बहुत सारा नमक डाल दिया, और मैंने कहा आपकी जान बचाएंगे, और फिर मैंने आपको दोबारा डुबाया चेक करने के लिए कि मैंने काम सही किया है कि नहीं किया, बोलो। तो अगर मैं इस अंडे को अब इस पानी में डालता हूँ तो ये देखो ये पानी में तैरने लग गया। अब आप सोच रहे हो कि थोड़ा सा अंदर है थोड़ा सा बाहर है, तो अगर मैं इसके अंदर और नमक डालूंगा तो ये और ऊपर आएगा। अच्छा कमाल की बात सुने, ये पहली बात तो अंडा पानी में तैर रहा है, डूब रहा है, कह रहा है डूब, ए मेरे माल, इसी के अंदर डुबाओ इसको, इसको पिलाया आज ये पानी। फ्रंट बेंच पे बैठ के कितनी गंदी गंदी बातें कर रहा है यार ये अंडा पानी में। ऑनलाइन वाले बच्चों तैर रहा है, डूब रहा है? बच्चों उठो, तैर तैर। अच्छा अगर हम इस अंडे को, हाँ अगर मैं इस अंडे को नीचे छोड़ के आऊँ, देखो मैंने कहा अब मैं जबरदस्ती डुबा रहा हूँ उसको, बोलो यार, छोड़ूंगा तो ये जबरदस्ती डुबा रहा हूँ उसको, छोड़ूंगा तो ये जबरदस्ती डुबा रहा हूँ उसको, छोड़ूंगा तो ये, विच बेसिकली मीन्स कि अगर हम पानी की डेंसिटी को बढ़ा दें तो जो चीज़ें पानी में डूब रही हैं वो तैर भी सकते हैं। क्या ये प्रैक्टिकल बात है? क्या मैं अगर चाहता हूँ कि आप पानी में तैर जाए तो क्या ये? अब देखो भाई, बाकी सब बच्चे स्विमिंग कर रहे थे, लेकिन मेरे बच्चे को स्विमिंग नहीं आती थी, तो मैंने कहा मेरा बच्चा तैरे, मैंने स्विमिंग पूल में जाके नमक गेर दिया, वो भी पूरा ट्रक भर के,